हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर की पीढ़ियां यानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम निम्नलिखित चीज़ों को पढ़ेंगे। जैसे अगर हम यदि फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में हम पढ़ेंगे उसका टाइम ड्यूरेशन यानी फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक चला। फर्स्ट जनरेशन की जो इम्पोर्टेंट हार्डवेयर टेक्नोलॉजी थी उसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो उसके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी थी उसको पढ़ेंगे। फर्स्ट जनरेशन की विशेषता को पढ़ेंगे और फर्स्ट जनरेशन में जो डिवाइसेस बनाए गए थे उनको पढ़ेंगे। फिर उसी तरह से सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन यानी पांचों जनरेशन में हम इन सभी को सभी पॉइंट्स को पढ़ते चलेंगे और इसको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। यदि वीडियो अच्छे से समझना है तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट जनरेशन को। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो टाइम ड्यूरेशन था वो 1942 से 1955 तक था, यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स 1942 से 1955 तक चले। इनकी इम्पोर्टेंट जो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी थी उनमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था जो कि कांच का बना होता था, और मेमोरी के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले और पंच कार्ड का यूज़ किया गया था। यदि हम कंप्यूटर के पहली जनरेशन में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की बात करें तो उनमें मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया गया था जिनको बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है। इनकी पहली विशेषता है इनका साइज़ बहुत बड़ा होता था, जिनकी लंबाई लगभग 50 फीट लंबा और 8 फीट ऊंचा होता था। दूसरी विशेषता है ये उतने विश्वसनीय नहीं थे क्योंकि इनमें एरर ज़्यादा आता था और इनकी गड़बड़ी बहुत ज़्यादा होती थी। तीसरी है लिमिटेड कमर्शियल यूजेज, यानी इनका जो वाणिज्यिक उपयोग था वो बहुत ही कम था क्योंकि इनको बनाना काफ़ी कठिन और मुश्किल काम था। उसके बाद है कमर्शियल प्रोडक्शन वॉज वेरी एक्सपेंसिव एंड डिफ़िकल्ट, यानी इनका जो कमर्शियल प्रोडक्शन था वो बहुत ही महंगा और कठिन था क्योंकि ये बहुत ही बड़े होते थे और उस टाइम पे जो था निर्वात ट्यूब का यूज़ किया गया था यानी वैक्यूम ट्यूब का, जो कि कांच के बने होते थे और वो अक्सर टूट जाया करते थे, जिसकी वजह से ये इनका जो मेंटेनेंस का भी खर्चा था वो काफ़ी बढ़ जाता था। उसके बाद डिफ़िकल्ट टू यूज़, अब चूँकि इन कंप्यूटर्स में मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को यूज़ किया गया था जिसको जो कि 0 और 1 पे काम करते हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होते थे यूज़ करने में। आज की तरह नहीं था कि हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कुछ आगे आ रहा है, बटन क्लिक कर रहे हैं, वैसा कुछ नहीं था उस समय। उस समय बाइनरी लैंग्वेज में उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता था जिसकी वजह से इन्हें यूज़ करना काफ़ी कठिन होता था। यहाँ पर कुछ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के डिवाइसेज हैं, जैसे ये वाला जो डिवाइस है इस डिवाइस का नाम है एनएक। ये EDVSC, EDSSC, यूनिवैक और IBM 701, ये सभी कंप्यूटर्स फर्स्ट जनरेशन के टाइम में बनाए गए थे। इसके बाद है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन का जो टाइम ड्यूरेशन था वो 1955 से 1964 तक था। यदि हम इन कंप्यूटर्स में हार्डवेयर टेक्नोलॉजी की बात करें तो इनमें ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था, जबकि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। यदि आप चाहते हैं ट्रांजिस्टर के बारे में एक अलग डिटेल वीडियो आए तो आप कमेंट में बताएं, हम इसके बारे में एक एक्सप्लेन्ड वीडियो अच्छे से बना करके आपको दे देंगे। इनमें स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर मेमोरी और मैग्नेटिक टेप्स एंड डिस्क का यूज़ किया गया था। इन कंप्यूटर्स में अगर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की बात करें तो इनमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया गया था और साथ ही साथ ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर भी काम कर सकते थे। उसके बाद है इनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी इनकी विशेषताओं की। दीज आर फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स एंड स्मॉलर। ये कंप्यूटर जो थे वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से काफ़ी फास्ट और स्मॉल थे क्योंकि इन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब के जगह पर जब ट्रांजिस्टर को लगाया गया तो वो वैक्यूम ट्यूब से काफ़ी तेज़ काम करते थे। ये कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से ज़्यादा विश्वसनीय थे और इन्हें प्रोग्राम करना भी आसान था, और साथ ही साथ इनका जो कमर्शियल प्रोडक्शन था वो फर्स्ट जनरेशन की तरह ही एक्सपेंसिव और डिफ़िकल्ट था। यहाँ पर कुछ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स हैं, जैसे हनीवेल 400, IBM 7030, CDC 1640 और यूनिवैक लार्क। ये सेकेंड जनरेशन के कुछ कंप्यूटर्स हैं जो उस समय बनाए गए थे। इसके बाद है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 1964 से 1975। 1964 से 1975 के बीच जितने भी कंप्यूटर बने उन्हें थर्ड जनरेशन के अंदर रखा गया। इन कंप्यूटर्स में हार्डवेयर टेक्नोलॉजी जो यूज हुए थे वो SSI एंड MSI चिप का यूज़ किया गया था। SSI का फुल नेम होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और MSI का फुल नेम होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। यानी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर जो थे उनमें IC चिप का यूज़ किया गया था वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके,
जहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था, वहीं सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था, और थर्ड जनरेशन में उसी को रिप्लेस करके आईसीज का यूज़ किया गया था। और मेमोरी के तौर पर बिग मैग्नेटिक कोर मेमोरी और मैग्नेटिक डिस्क एंड टेप्स का यूज़ किया गया था इस कंप्यूटर में भी। इन कंप्यूटर्स में अगर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की बात करें तो इनमें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। यहाँ पर एक पॉइंट है, अगर आप चाहते हैं आईसी के बारे में एक फुल वीडियो आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम एक अलग से डिटेल वीडियो बना देंगे। उसके बाद है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की विशेषताएं। दीज आर फास्टर एंड स्मॉलर देन प्रीवियस डिवाइसेस, यानी ये जो कंप्यूटर थे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर, वो पहले के जितने भी कंप्यूटर्स थे उनसे फास्टर थे और उनसे छोटे भी थे। एंड दे आर मोर रिलायबल, यानी ये कंप्यूटर्स पहले के जितने भी कंप्यूटर्स थे उनसे अधिक विश्वसनीय भी थे। इनका जो कमर्शियल प्रोडक्शन था वो पहले के कंप्यूटर से थोड़ा सा सस्ता होता था, और ये इजी भी थे बनाने में, क्योंकि आईसी चिप जो थे उनमें कई सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगाए जाते थे, जिसकी वजह से सर्किट इसका छोटा हो गया। इन कंप्यूटर्स को प्रयोग करना भी आसान हो गया था, क्योंकि इस टाइम तक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज आ चुके थे, जिनकी वजह से इनको प्रोग्राम करना भी आसान हो चुका था अब तक। इन कंप्यूटर्स के समय इनमें ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी आ गए थे, जिसकी वजह से काम करने में और भी सहायता मिलती थी। यहाँ पर आपको कुछ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स दिख रहे हैं, जैसे IBM 360390, PDP 08, PDP 2nd और DCC 6600। ये थर्ड जनरेशन के कुछ कंप्यूटर्स हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी 1975 से 1989 तक चली, जिनमें हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के रूप में VLSI ICs का यूज़ किया गया था। इनका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ICs। इनमें मेमोरी के तौर पर माइक्रो प्रोसेसर्स, सेकेंडरी मेमोरी, हाई स्पीड का हार्ड डिस्क, यहाँ पे हार्ड डिस्क है, इनमें हाई स्पीड हार्ड डिस्क का यूज़ किया जा रहा था। वहीं इनमें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की बात करें तो इनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हुआ था वो PC के लिए जो अभी यूज़ होता है उस टाइप का कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम उस समय आ चुका था। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी यूज़ किया जा रहा था, मल्टीपल विंडो एट वन स्क्रीन, यानी आज के समय में जब हम एक ही स्क्रीन पर कई सारे विंडो ऐसे खोल लेते हैं वो भी उस समय आ चुका था। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुका था, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ चुका था, PC बेस्ड एप्लीकेशन आ चुके थे, नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन आ चुके थे। यानी फोर्थ जनरेशन तक अभी जो हमें सारी चीज़ें मिलती है देखने के लिए कंप्यूटर्स में, वो फोर्थ जनरेशन तक लगभग आ चुकी थी सभी चीज़ें। उसके बाद है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की इंपॉर्टेंट विशेषताएं, जिनमें पहला है फास्टर एंड स्मॉलर देन प्रीवियस डिवाइसेस, यानी ये जो कंप्यूटर्स थे वो पहले के जितने भी कंप्यूटर थे उनसे फास्ट और स्मॉल थे। दे आर मोर रिलायबल, यानी ये जो कंप्यूटर्स थे वो पहले जितने भी कंप्यूटर्स बने थे उनसे अधिक विश्वसनीय थे, यानी जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड जनरेशन में अभी तक जितने भी कंप्यूटर्स बने थे उन सबसे अधिक विश्वसनीय ये कंप्यूटर्स थे। इनका जो कमर्शियल प्रोडक्शन था वो थर्ड जनरेशन से भी थोड़ा सस्ता और ईजी हो गया था, क्योंकि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन ICs और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन ICs का यूज़ किया गया था, जबकि फोर्थ जनरेशन में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ICs का यूज़ किया गया था। ये कंप्यूटर्स ईजी थे यूज़ करने के लिए और इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन भी आ चुके थे। उसके बाद है कुछ फोर्थ जनरेशन से कंप्यूटर्स, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है IBM PCs एंड इट्स क्लोन्स, यानी ये जो है ये IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया था और इस प्रकार के और सारे कई कंप्यूटर्स बनाए गए थे। दूसरा है एप्पल टू, तीसरा TSR-80, उसके बाद है वैक्स 9000, उसके बाद है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो पांचवी पीढ़ी थी वो 1989 से अब तक चल रही है। इन कंप्यूटर्स में अगर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी की बात करें तो इनमें ULSI ICs यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ICs का यूज़ किया गया था, हाई कैपेसिटी मेन मेमोरी, हाई कैपेसिटी हार्ड डिस्क, पोर्टेबल रोम मीडिया इन द फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल डिस्क, यानी ऑप्टिकल डिस्क के रूप में पोर्टेबल रोम मीडिया आ चुका था, नोटबुक कंप्यूटर्स आ चुके थे, पावरफुल डेस्कटॉप PCs आ चुके थे और वर्क स्टेशन इत्यादि आ चुके थे। इस समय यानी फिफ्थ जनरेशन में इंटरनेट भी आपका आ चुका था। इस समय की जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी थी वो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी थी WWW, यानी वर्ल्ड वाइड वेब, जिसकी वजह से इंटरनेट चलता है, और इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस, यानी आज जो प्ले स्टोर पर हम जितने भी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं जिसमें इंटरनेट की वजह से चलता है, वो सारे फिफ्थ जनरेशन में आ चुके हैं। उसके बाद है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की विशेषताएं, जो कि निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है पोर्टेबल कंप्यूटर्स, यानी वैसे कंप्यूटर्स जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में आसानी होती थी।
जैसे लैपटॉप्स, मोबाइल्स इत्यादि। दूसरा है डेस्कटॉप मशीन्स। इस समय डेस्कटॉप मशीन्स भी आ चुके थे, जिसे डेस्क पर रखकर चलाया जाता है, आज भी डेस्कटॉप बोला जाता है, वो सारे आ चुके थे। ये जो कंप्यूटर्स थे बहुत ही पावरफुल होते थे और सस्ते भी होते हैं। ये कंप्यूटर्स अब तक जितने भी कंप्यूटर्स बने थे उनमें सबसे अधिक विश्वसनीय और आसान थे यूज करने में। इनमें बहुत ही पावरफुल मेन फ्रेम्स आ चुके थे और इनका जो कमर्शियल प्रोडक्शन था वो काफ़ी घट चुका था, यानी काफ़ी कम हो चुका था। उसके बाद है फिफ्थ जनरेशन में जो कंप्यूटर्स बनाए गए थे शुरुआती दौर में, उनको हम देख लेते हैं। जैसे IBM नोटबुक, ये वाला जो कंप्यूटर है वो फिफ्थ जनरेशन का सबसे पहले बना हुआ कंप्यूटर है, जो कि IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद है पेंटियम पीसीज, सन वर्कस्टेशन, सन वन वर्कस्टेशन, IBM SP2, GSI ओरिजिन 2000 और परम 10000। ये जो कंप्यूटर्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये फिफ्थ जनरेशन के स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर्स बनाए गए थे वो सभी हैं। यदि आज के कंप्यूटर्स से कंपेयर करें तो ये उनके आगे काफ़ी स्लो होंगे, लेकिन उस समय जो जितने भी कंप्यूटर्स अभी तक आए थे उनमें ये काफ़ी फास्ट थे और पोर्टेबल भी थे, क्योंकि इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता था। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने कंप्यूटर के जनरेशन को पढ़ा है, जिसमें हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन को पढ़ा है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।